नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है टेक विद तिवारी जी। आज हम लोग बात करेंगे लिनोवो के 8 प्लस में जो लेटेस्ट एक सिक्योरिटी पैच का मेंटेनेंस रिलीज अपडेट हुआ है उसके बारे में। तो चलिए मुद्दे पर आते हैं। तो दोस्तों चलिए फाइनली आपको आपका जो इन्फॉर्मेशन है मिलने वाला है कि आपका जो करेंट जो अपडेट है जो आने वाला है अगस्त का उसमें क्या मिलेगा और क्या क्या आपको बग्स फिक्स होने का संभावना है। तो चलिए पूरा देख लेते हैं कि इसमें क्या मिला है। तो सबसे पहले मैं बता दूं इसमें तीन तो अपडेट है। सबसे पहला जो अपडेट है सिक्योरिटी जो पैच सितंबर 5 2018 का जो नंबर यानी जो डेट चेंज होता है वो है। सेकंड बोला गया है कि बहुत सारे बग्स इंक्लूडिंग चेंजेस दैट थॉक्स फिक्स बग्स एंड इम्प्रूव स्टेबिलिटी ऑफ योर फोन। इसका मतलब ये है कि कुछ भी जो बग्स थे उसको फिक्स किया गया है और जो फोन का स्टेबिलिटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए इम्प्रूवमेंट दिया गया है। ठीक है, तो ये अपडेट में ये मिलेगा। इसके अलावा जो फाइनल है वो है कैमरा में जो बग्स है उसको फिक्स करके इन्हांस किया गया है या इम्प्रूव किया गया है। तो ये मेजरली ये तीन अपडेट आने वाला है। ठीक है, तो अगर इस पर थोड़ा हम डिस्कस करते हैं तो जानते हैं कि इसमें क्या क्या आपको मिल सकता है। तो सबसे पहले जो हमारा कैमरा का जो ब्लैक स्क्रीन का इशू था शायद से ये जो अपडेट में फिक्स हो जाएगा। इसके अलावा बोला गया है बहुत सारा बग्स को फिक्स करेंगे और स्टेबिलिटी इम्प्रूवमेंट करेंगे मोबाइल का। तो इस बग्स में प्रॉक्सिमिटी ये सब है, वोल्टी ये सब आ सकता है, मेरा चांसेस है आने का, बट यहाँ का हिसाब से मतलब उसको कुछ अलग से डिस्क्लोज नहीं किया गया है इसलिए मैं आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता हूँ क्या क्या आएगा। कैमरा तो कंफर्म हो गया कि हाँ आ रहा, बट हमसे मेरे से जो बात हुआ था वो बताया गया था कि प्रॉक्सिमिटी का जो इशू है उसको भी फिक्स किया जाएगा। तो होपफुली जो बोला जा रहा है बग्स फिक्स होगा तो उसमें स्टेबिलिटी इंप्रूवमेंट में उसमें ये सब जो प्रॉब्लम था उसको फिक्स कर दिया जाएगा। तो दोस्तों अगर ये मेरा एक्सपीरियंस और मेरा मतलब रिएक्शन आप जानना चाहते हैं कि ये जो मेंटेनेंस रिलीज निकला है इसमें कुछ इंप्रूवमेंट होगा कि नहीं, तो मैं आपको जरूर से बता सकता हूँ इसमें बहुत सारे ऐसे मेजर जो चीज़ें हैं वो ठीक हो जाएंगे। मेरे ख्याल से अभी भी मुझे डाउट हो गया है इसका वोल्टी के ऊपर, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि इसमें जैसा मेरा कन्वर्सेशन हुआ था वोल्टी का अपडेट मिल जाए और आपको कुछ ऐसा जो प्रॉब्लम फेस हो रहा वो ठीक हो जाए। बट जो कैमरा वाला जो इम्प्रूवमेंट जरूरी था वो हो गया और मेरे ख्याल से प्रॉक्सिमिटी सेंसर का भी जो प्रॉब्लम है वो फिक्स हो जाएगा। तो दोस्तों हमें बताइएगा कि फ्यूचर में जो अपडेट आने वाला है उसका लिए आपको क्या रिएक्शन है, कुछ अच्छा आपको लग रहा है कि कुछ इम्प्रूव होगा कि नहीं होगा, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा फ्यूचर में ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो के लिए। थैंक यू, बाय बाय।